देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि GSTR 1 के रिटर्न को हमने कैसे फाइल करना है। अब हम देखेंगे कि इसको हम ऑनलाइन फाइल कैसे करते हैं। अब हम आपको ऑनलाइन फाइल करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमने पोर्टल के ऊपर ये GST की वेबसाइट को खोल लेना है और यूजर आईडी पासवर्ड के पेज पर आ जाना है। वहाँ यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद देखिए हमारा पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर हमें स्टेटस शो कर रहा है कि अभी आपने सितंबर की रिटर्न फाइल नहीं की है और GSTR 3B भी फाइल नहीं की है, GSTR 1 भी फाइल नहीं की है और 3B भी फाइल नहीं की है। अभी हम यहाँ पर आपको देखिए GSTR 1 रिटर्न जो है फाइल करके ऑनलाइन बताएंगे। हमने रिटर्न डैशबोर्ड पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अपना क्वार्टर सेलेक्ट करना है कि वो किस क्वार्टर में कॉल कर रही है। यहाँ पे हमने महीना सेलेक्ट करना है और सर्च करना है। यहाँ पे ये सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो जो डैशबोर्ड पर आ रहा है ऑप्शन है, वो GSTR 1 का जो ऑप्शन आ रहा है, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारे पास स्क्रीन खुल के आ जाती है। कुछ इस तरीके से। तो हमने जितने भी सेल के बिल जो हमने यहाँ पे जो फीड किए हैं अपने रिटर्न के अंदर, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखिए आप, ये 94 बिल जो है B2B रजिस्टर्ड डीलर की सेल है मेरी, वो मैंने यहाँ पे डाली है। और जो मेरी सेल है B2C की, जो मेरी B2C अनरजिस्टर्ड डीलर की सेल है, उसको मैंने यहाँ पे फीड किया है।